Hello guys, Sasikal, Namaste everyone. So काफी मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना चुका था माल्टा ओपन वर्कर गाड़ी के बारे में, तो ये मेरी दूसरी वीडियो बना रहा हूँ दिन में. आज का और इस वीडियो का टॉपिक है हाउ टू अप्लाई रशिया वीजा. और काफी ही मैं नेट पर देख रहा था, काफी ऐसे कुछ नेगेटिव गलती रिपोर्ट है रशियन वीजा, एक दिन में रशिया वीजा, दो वीजा में. तो मैंने बोला क्यों वाई नॉट एक रशिया के बारे में वीडियो बनाए जाए कि आपको पता लग जाए रशिया के वीजा कैसे अप्लाई होता है और कितने दिन में आता है. पहले तो काफी रिक्वायरमेंट थी रशिया की कंडीशन में वीजा लेने के लिए, लेकिन अब इन्होंने काफी रिक्वायरमेंट को डाउन कर दिया है. अगर आपका रशिया का प्लान है मॉस्को घूमने का या कहीं भी रशिया के किसी और भी सिटी में जाने का, अगर आपका एक हफ्ते का प्लान है विद मान लो आप चार दिन या पांच दिन या वन वीक भी वहां पर रुकना चाहते हो, तो अब आपके लिए डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंटेशन बहुत कम है. अब आपको अगर हफ्ते एक हफ्ता रुकना चाहते हो तो आपको चाहिए अपना पासपोर्ट की कॉपी, एक फोटो चाहिए जो नॉर्मल साइज होता है, प्लस आपको होटल बुकिंग चाहिए कंफर्म होनी चाहिए, और प्लस आपको इनविटेशन लेटर चाहिए. और जो इनविटेशन लेटर चाहिए अभी नेट पर भी काफी साइट्स होती हैं, कोई भी ऐसे शो करता है इतने में अपने डिफरेंट डिफरेंट प्राइस होते हैं, कोई रजिस्टर्ड नहीं होती. तो आपको एक साइट बताते हैं, लिंक शेयर बता देता हूँ, वो आई वीजा होता है जिनका इनविटेशन ओरिजिनल होता है, तो उनसे ही इनविटेशन ले. तो ये चार चीजें जरूरी होती है, ठीक है. इसके बाद अगर एक्स्ट्रा में आप अपना ट्रेवल इंश्योरेंस जरूर लेकर जाएं, वो रिक्वायरमेंट नहीं होता, लेकिन रिक्वायरमेंट नहीं होता आपको एम्बेसी में वीएफएस जमा करने के लिए, लेकिन आपको इसका ये बेनिफिट होगा कि ऊपर वाला ना मत करे कि आपका पासपोर्ट गुम हो जाए, कोई चोट लग जाए कोई सफर में, तो काफी चीजें वो आपके इंश्योरेंस में कवर हो जाती है. और ये इंश्योरेंस भी बहुत ही आई थिंक रशिया की मेरे पास ऑलमोस्ट 7 to 1000 के अंडर आपकी ट्रेवल इंश्योरेंस हो जाती है. तो इसको अब है हमारा सेकंड क्वेश्चन, इसको ये अप्लाई कैसे होगा. तो वीएफएस सेंटर में अप्लाई होता है. पहले एक दिल्ली में कुछ और थी कैरियर जो डील करती थी सब डॉक्यूमेंट, लेकिन अब वीएफएस करता है. आपको सबको ऑलरेडी पता है वीएफएस ग्लोबल के बारे में, जितने भी यूरोपियन कनाडा के पेपर वही सभी लेते हैं, उनको राइट मिला है पेपर लेने के लिए. तो आप इसकी जो अपनी रशिया की वीजा की अप्लाई करने के लिए फाइल आप दिल्ली में लगा सकते हो, दिल्ली मुंबई और चेन्नई में इनके बड़े बड़े है, लेकिन पंजाब में रशिया का इनकी एम्बेसी नहीं है, तो यही डील करते हैं. और ये बहुत ही फेमस है, आपको दिल्ली में पता होगा जो शिवजी पदराव मेट्रो स्टेशन है वहां इनका वीएफएस सेंटर है और वहां पर इनके पेपर जमा होते हैं. तो वंस ऑफ ऑल मैं आपको फिर बता देता हूं क्या डॉक्यूमेंट चाहिए. आपका पासपोर्ट, आपकी एक फोटो चाहिए, ठीक है, आपकी ट्रेवल इंश्योरेंस एक रिक्वायरमेंट ऑप्शन ले सकते हो, आपकी इनविटेशन लेटर चाहिए, इनविटेशन लेटर वो भी रजिस्टर्ड कंपनी सुदरुन चाहिए, ठीक है. और एक उसके जब आपके पास चारों चीज हो जाती है, फिर आपने वीएफएस सेंटर में उनका जो डाउनलोड रिक्वायरमेंट फॉर्म होता है उसको फॉर्म ऑनलाइन फिलअप करना होता है. ऑनलाइन फिलअप करने के बाद वो आपके डेस्कटॉप में सेव हो जाता है, उसको आप A4 साइज होता है उसको प्रिंट आउट करते हो, और प्रिंट आउट करने के बाद अपने इनविटेशन करने के बाद आपने सबको डॉक्यूमेंट लेते हो. और जो आपको अगर दिल्ली में जब आप सबमिट करते हो तो विदिन 3 to 5 days में आपको स्टिकर वीजा मिल जाता है रशिया का. तो ठीक है गाइस, आज मैंने आपको टोटल प्रोसेस बता दिया है कि रशिया का वीजा कैसे ले सकते हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट है और इधर कैसे अप्लाई होगा. अगर फिर भी आपको इन्फॉर्मेशन पता न लगे कोई भी मिस्टेक हो तो मैं वीएफएस ग्लोबल रशिया का नीचे लिंक डाल दूंगा, आप उस लिंक को ओपन कर सकते हैं और मोर इन्फॉर्मेशन ले सकते हो. तो ठीक है गाइस, होपफुली आज की वीडियो ये भी आपको अच्छी लगी होगी और आपके नॉलेज में इजाफा हुआ होगा. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय.